हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सलमान नसीर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों लंग एब्सेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने लंग्स के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन ये एब्सेस जो है यानी कि कलेक्शन ऑफ पस यानी लंग्स या फेफड़े के अंदर पीट का जमा हो जाना, ये कहलाता है लंग एब्सेस। इस क्लिप के माध्यम से मैं आप लोगों को तमाम वो जानकारी दूंगा जो इस प्रॉब्लम के अंदर होती है। इसलिए अभी से कर दीजिए इस क्लिप को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों ये जो क्लिप है हम लोग चाहते हैं कि आम लोगों को बीमारियों के ताल्लुक से मालूमात हो और जो मेडिकोज हैं उनके नॉलेज में इजाफा हो। दोस्तों लंग एब्सेस, एब्सेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पस यानी पीप का भर जाना। तो इससे पहले हमने जो जाने थे क्लिप में एम्पाइमा के बारे में, लेकिन ये अलग होता है। एम्पाइमा और लंग एब्सेस में डिफरेंस है, क्योंकि एम्पाइमा ये प्लीयर कैविटी के अंदर होता है यानी लंग्स के बाहर, और ये जो लंग एब्सेस है ये पैरेन्काइमा में होता है यानी लंग्स के अंदर होता है। फेफड़े के अंदर एक छोटी सी कैविटी बन जाती है जहाँ पस और हवा एक साथ होते हैं, यानी सेपरेटिव लेजन ऑफ लंग पैरेन्काइमा, डेट्स कॉल लंग एब्सेस। लगभग 4 हफ्तों से लेकर 6 हफ्ते तक अगर ये है तो ये एक्यूट कंडीशन होती है, लेकिन अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये क्रोनिक कंडीशन हो जाती है यानी गंभीर या पुरानी बीमारी मानी जाती है। अब बात करेंगे दोस्तों कि लंग्स के अंदर ये एब्सेस जो बन जाता है ये क्यों हो जाता है। वैसे तो दोस्तों एक्सपर्ट का मानना है कि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, या फिर फंगस की वजह से होता है, या फिर पैरासाइट्स की वजह से होता है, लेकिन मोस्टली ये बैक्टीरिया की वजह से होता है यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे कि एक्टिनोमाइस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफिलोकोकस है, क्लेबसिला है, हेमोफिलस है, इस तरह के कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। फैक्टर मतलब कुछ लोग ऐसे जिनको इसके होने के चांसेस होते ही रिस्क होता है, जिसमें देखा जाएगा दोस्तों जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, और सबसे ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं दोस्तों एनेस्थेसिया के दौरान, यानी जो पेशेंट जिनको एनेस्थेसिया दिया जाता है वो पेशेंट बेहोश होता है। ऐसे वक्त में दोस्तों जो गिज़ा जो चीज़ खाने की नाली में जाना चाहिए बाय मिस्टेक अगर वो एयर पैसेज में यानी हवा की नाली या लंग्स के अंदर अगर आ जाती है तो इसकी वजह से भी लंग एब्सेस के चांसेस बढ़ते हैं। ऐसे में एस्पिरेशन न्यूमोनिया ये भी इसकी वजह बन सकता है। इम्यूनिटी अगर किसी के कमज़ोर है ऐसे लोगों को भी हो सकता है, कैंसर है, इसके अलावा HIV प्रॉब्लम है, इसके तो जो लॉन्ग टाइम से कुछ मेडिकेशंस अगर चल रही है या फिर कोई डिजीज़ अगर है तो ऐसे में ये लोग दोस्तों इसमें ज़्यादा मुब्तला हो सकते हैं, उनको चांसेस हो सकते हैं स्ट्रोक की वजह से। तो अब तक हम लोगों ने जाना कि फेफड़ों में जो पीप भर जाता है, जो पीप जमा हो जाता है, उसके वजूहत क्या हो सकते हैं या रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी साइन एंड सिम्टम्स। तो इसमें कॉमनली दोस्तों इसके अंदर फीवर होता है, प्रोडक्टिव कफ होता है यानी कि बलगम आता है, बलगम के साथ जो है दोस्तों खबी खबार खून भी निकल सकता है, हेमोप्टोसिस जिसको हम कहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों डिस्निया की प्रॉब्लम इसमें होती है यानी चलने में दम लगना, सांस का फूलना। इसके साथ ही दोस्तों चेस्ट पेन इसमें होता है यानी कि जब पेशेंट सांस लेने की कोशिश करता है या फिर जब खांसने की कोशिश करता है तो ऐसे वक्त में उसको चेस्ट पेन होता है, छाती में दर्द होता है। इसके साथ ही दोस्तों इसको फैटिग्यो यानी आम जिस्मानी कमज़ोरी, इसके अलावा भूख की कमी, लॉस ऑफ एपेटाइट, और साथ ही दोस्तों इसको एक्सेसिव स्वीटिंग यानी बहुत ज़्यादा पसीना आना, तो बेचैनी, घबराहट, इस तरह की कुछ अलामतें लक्षण है दोस्तों इसमें दिखाई देंगी। एक बहुत ही प्रमुख लक्षण दोस्तों इसके अंदर यानी लंग एब्सेस के अंदर दोस्तों वो ये है कि फॉल स्मेलिंग यानी बैड ब्रीथ या फिर गंदी दुर्गंध जो है पेशेंट के पास से आ सकती है, और बाज़ वक़्त जो है उसके बाद। तो इस तरह से दोस्तों ये थे इसके क्लिनिकल फीचर्स या फिर साइन एंड सिम्टम्स। अब बात करेंगे दोस्तों हम इसके डायग्नोसिस के बारे में यानी इसकी जांच कैसी होती है। तो दोस्तों डॉक्टर के लिए तो फिज़िकली एग्जामिनेशन है, ऑस्कल्टेशन है, परकशन, ये तमाम चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, और तकरीबन चीज़ें एक एक्सपर्ट डॉक्टर या जो चेस्ट फिजिशियन उनके लिए तो आसान होता है कि वो डल परकशन है या ऑस्कल्टेशन है या फिर किसी और जरिए से वो जो फिजिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर करते हैं तो उनके लिए आसानी होती है। इसके लिए आप लोगों को अगर इनकेस आपके सामने किसी को इस तरह के कोई लक्षण है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो उनको चाहिए दोस्तों कि वो चेस्ट फिजिशियन से रब्ता करें, वो वही उसका बेहतर तरीके से आपको गाइडेंस कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें कॉमनली जिस तरह चेस्ट
के रिलेटेड, यानी कि लंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि CXR यानी चेस्ट एक्सरे का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ बिल्कुल इसी तरह से लंग एब्सेस में भी दोस्तों एक्सरे का यानी छाती के एक्सरे का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग CXR कहते हैं, जिसमें एक शेडो दिखाई देगा। और इसको अच्छे से समझने के लिए दोस्तों कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है HRCT की या CT स्कैन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें ब्लड के इन्वेस्टिगेशन भी होते हैं, जिसके अंदर इन्फ्लामेशन है या इन्फेक्शन है वो दिखाई देंगे, जैसे ESR है, CRP है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो WBC काउंट है वो भी बढ़कर आएंगे। साथ ही दोस्तों इसमें स्पुटम अगर टेस्ट किया जाता है या स्पुटम इसमें जब टेस्ट करते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी जो है पता चलता है। इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी भी इसमें की जाती है। आप बात करें दोस्तों इसके हम ट्रीटमेंट की, तो मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट दो तरीके से होगा दोस्तों। एक तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होगा, यानी दवाइयाँ खाने पीने वाली जो दवाइयाँ होती है एंटीबायोटिक, इसमें जो है तो सबसे ज़्यादा यानी कि लॉन्ग टाइम इसमें एंटीबायोटिक देना होता है, तो इसमें एंटीबायोटिक का बहुत अच्छा रोल होता है। और इसके साथ ही दोस्तों कुछ फिजियोथेरापी, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट इसमें होता है। इसके अलावा दोस्तों जो जैसे दूसरे जो सिम्टम्स है उसके मुताबिक, जैसे खांसी है तो खांसी के कफ के एंटी कफ मेडिकेशंस है, चेस्ट पेन हो रहा है उसके एतबार से कुछ एनाल्जेसिक मेडिकेशंस है। और इसके अलावा दोस्तों ब्रोंकोडायलेटर हैं, इन दवाइयों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। दूसरा जो इसमें तरीका है दोस्तों वो ऑपरेशन है या फिर सर्जिकल है। सर्जिकल में दोस्तों लोबेक्टॉमी है, यानी कि लंग्स का जो हिस्सा अफेक्ट है उस हिस्से को निकाल देना। कभी कभी एक लोब का अच्छा खासा हिस्सा मुतासिर होता है, अफेक्ट होता है, कभी कभी पूरा लोब अफेक्ट हो जाता है, पूरा लंग्स भी अफेक्ट होता है। और याद रहे कि लंग एब्सेस में राइट साइड वाला लंग ज़्यादा अफेक्ट होता है बनिस्बत लेफ्ट लंग के। तो ये था दोस्तों लंग एब्सेस के बारे में अहम जानकारी। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा कि लंग एब्सेस क्या होता है। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, सवाल आपके जहन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा।